देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका डबल एंट्री सिस्टम। इससे पहले जो 6th चैप्टर है आपका वो प्रैक्टिकल है, तो वो चैप्टर हम अपना बाद में करेंगे। अभी हम 7th चैप्टर करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एक ही एंट्री का डबल इफेक्ट होना। तो डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव साइंटिफिक एंड कम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक प्रोग्रेसिव साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का। द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अंडर दिस सिस्टम आर सो डेफिनेट एंड क्लियरली स्टेट दैट द सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड एक्सटेंसली इन ऑल कंट्री। कि जो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के रूल्स हैं अंडर दिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेट और क्लियर है और ऑल कंट्रीज़ में ऐसे ही एप्लीकेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर टू अकाउंट इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। कि हर सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन में आपके दो अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं। वन ऑफ देम इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट। अंडर दिस सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एट एनी टाइम। विद द हेल्प ऑफ ए ट्रायल बैलेंस ए प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। वो ये कह रहा है कि आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप अकाउंट्स की एक्यूरेसी, शुद्धता चेक करना चाहते हो, तो हम इसलिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करके बैलेंस की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट की हेल्प से। हम अपना जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग हमने कितना लॉस पीयर किया है और कितना गेन मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ ए ट्रायल बैलेंस ए बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ फर्म। कि हम ट्रायल बैलेंस की मदद से अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो क्या चल रही है। तो ये सब बेसिक है स्टूडेंट, पढ़ लेना। मेन है आपका मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। कि हर ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, जैसे इफ़ द फर्नीचर इज़ परचेज इन द बिजनेस। आपने फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश आपका जा रहा है, तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच इफेक्ट ओनली वन अकाउंट और विच हैज़ ओनली वन एक्सेप्ट। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है बिजनेस में जिसका एक ही इफेक्ट हो या एक ही पहलू हो। एज सच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी दोनों ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। इट मे हाउ एवर बी नोटेड डैट डबल एंट्री डज नॉट मीन डैट ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कि डबल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड की जाएगी, बट इट मीन्स डैट एटलीस्ट टू अकाउंट आर अफेक्टेड बाई ए ट्रांजेक्शन। कि दो अकाउंट आपकी इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट होगा। वन अकाउंट रिसीविंग ए बेनिफिट, एक अकाउंट तो आपका जो बेनिफिट है वो रिसीव करेगा और अदर अकाउंट यील्डिंग ए बेनिफिट और जो दूसरा अकाउंट है वो बेनिफिट देगा। द पर्सन ऑफ द अकाउंट रिसीविंग ए बेनिफिट इज डेबिट एंड द पर्सन ऑफ अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। एक अकाउंट को तो हम करेंगे डेबिट और दूसरे अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटर्न ट्वाइस। कि जो भी ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट होगा वो दोनों तरफ लिखेंगे, वंस एज ए डेबिट एंड अगेन एज क्रेडिट। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देख के बताया है कि वी रिसीव 25,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें 25,000 रुपये प्राप्त हुए। तो दीज ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा, आपके दो अकाउंट पे इफेक्ट होगा, एक तो आपका कैश अकाउंट और दूसरा आपका मोहन अकाउंट। कैश अकाउंट इज रिसीविंग ए बेनिफिट, क्योंकि कैश अकाउंट कैश आ रहा है एंड हैंस कैश अकाउंट विल बी
डेबिट। कैश को क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है उसको हम लिखते हैं डेबिट में, और जो हम दे रहे हैं या जो हमारे पास से जा रही है उसको लिखते हैं हम क्रेडिट में। हैंस कैश अकाउंट विल बी डेबिट वेयर एज मोहन इज यील्डिंग ए बेनिफिट एंड हैंस हिज अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो मोहन हमारे पास से जा रहा है तो मोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये आपको जो रूल है ये अच्छे से करना है कि जो भी आपके पास आ रहा है वो आपको डेबिट करना है और जो आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट करना है। फिर आती है इसकी डेफिनेशन। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो बार इफेक्ट होता है। डेट इट अफेक्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों अकाउंट्स के अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट्स होते हैं। इफ़ ए कम्प्लीट रिकॉर्ड वेयर टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजेक्शन इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट। इसलिए ज़रूरी है कि एक अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट क्रेडिट। इट इज़ दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन डेट हैज़ गिवन राइज टू दैम डबल एंट्री सिस्टम। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग डबल इफेक्ट पड़ता है जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए फर्स्ट है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट, कि इस जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी बिजनेस की उसका दो अकाउंट, एक डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, कि आप बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री, कि डबल एंट्री में आपका पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट जो हैं दोनों उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल डैट बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन मे बी पर्सनल और बोथ मे बी इम्पर्सनल, कि आपका चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो चाहे इम्पर्सनल अकाउंट हो दोनों अकाउंट्स पे आपका इफेक्ट इक्वली पड़ेगा। फिर है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। इन डबल एंट्री सिस्टम वन अकाउंट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। इट डज नॉट मीन डैट एनी अकाउंट में भी डेबिट और एनी अकाउंट में भी क्रेडिट, कि कोई भी अकाउंट आपका क्रेडिट हो सकता है और कोई भी अकाउंट आपका डेबिट हो सकता है। देर आर सर्टेन रूल फॉर डेबिटिंग आर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट आर मेड ऑन द बेसिस ऑन द रूल, कि जो हमने अपनी ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट करना है वो हम एक रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो रूल हम फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिंस वन अकाउंट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट, कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि जितना अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे उतना ही अमाउंट हमें क्रेडिट में लिखना है। दीज हेल्प्स टू फाइंडिंग आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कि हमें हेल्प करता है कि हम अकाउंट्स की एक्यूरेसी यानी कि उनकी शुद्धता को चेक कर सकें। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, ये आप ट्रायल बैलेंस की सहायता से प्रिपेयर कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यही मेन रूल्स हैं जो आपके अगले चैप्टर में यूज़ होने हैं। तो यहाँ तक आपको डबल एंट्री का मीनिंग, इसकी करेक्टरिस्टिक या उसको आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, ये अच्छे से क्लियर करना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे।